उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। आपको बता दें कि दीक्षांत कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचते ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंवले के पौधे का रोपण किया। उसके बाद राज्यपाल कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपाधि व मेडल पाने वाले अभ्यर्थियों को शपथ दिलाया और उनको उनके योग्यता के आधार पर छात्र व छात्राओं को 32 स्वर्ण वितरित किया। इसके साथ ही 25 पीएचडी धारकों को उपाधि प्रदान किया। उसके बाद राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के फिटनेस सेंटर का लोकार्पण किया और परिषदीय विद्यालय के बच्चों में किट वितरित किया। इस अवसर पर छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भाव का शुभारंभ राष्ट्रपति के द्वारा हुआ है और पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा का आयोजन 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक मनाया जा रहा है। इस समय विश्वविद्यालय के छात्र गांव में आयुष्मान आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित करें, इससे आपके यूनिवर्सिटी का नाम होगा। जो कामगार लोहार और उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किया जाए, उनको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताइए कि वो किस तरह से लोन प्राप्त कर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रयास करे। राष्ट्र के लिए युवा शक्ति का बहुत योगदान है। युवाओं की सक्रियता से देश महान बुलंदियों को छू रहा है। आजादी के अमृतकाल में युवा नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रयान में भी महिलाओं का विशेष योगदान है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की 2 बेटियां चंद्रयान 3 में कार्य कर रही हैं। आप सभी को अपनी शक्ति को पहचानना होगा, तभी देश को 2047 तक महान शक्ति में गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों से आग्रह है कि देश की संस्कृति व मूल्य से भी जुड़े रहें। अध्यापक छात्रों के दिलों में व दिमाग में लौ जलाने का कार्य करें, इससे समाज का विकास होता है। और अध्यापक व टीचर, आप सभी के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है। पहले से ही यूनिवर्सिटी में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, सभी समस्या का समाधान है। इस समय केंद्र व प्रदेश में शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए छात्रों को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए सरकारी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है। ये पदक विजेता छात्र उन छात्रों से बात करें जिससे उनका मनोबल बढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। यूनिवर्सिटी ने 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टेबल व चेयर दिया है। आज तक इस दिशा में सरकार भी सोच रही है, सभी ने प्रयास किया है, तभी 6000 आंगनबाड़ियों में यह सामग्री पहुंची है। इस तरह के कार्यक्रम के साथ जुड़कर सभी विश्वविद्यालयों को आंगनबाड़ी को कुछ न कुछ दिया जाए, जिससे बच्चों को सभी शिक्षा मिल सके। हम लोगों का प्रयास है कि केजी से पीजी तक बच्चा पढ़कर आगे बढ़े। मेवाती राय स्मृति स्वर्ण पदक श्रीमती कमला देवी एवं डॉक्टर BA LLB परीक्षा में सरस्वती भगवती निशेष या कुंडेन्दु तुषार हार धवल स्वर्ण पदक स्वर्गीय मनीष तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक अति विशिष्ट पूर्व छात्र माननीय राजनाथ सिंह पदक इधर देखो हर एक पर भीड़ कर उनका स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तिवारी राजेश प्रसाद रूमता स्मृति स्वर्ण पदक पदक विशिष्ट पूर्व छात्र माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत आज के दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं उत्तर प्रदेश
प्रदेश की माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम पटेल जी, विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा अन्य समितियों के सम्मानित सदस्यगण एवं अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्यगण एवं शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, समस्त छात्र एवं छात्राओं, हमारी प्राइमरी स्कूल की सभी बच्चियों, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों, नाथ परंपरा के महान योगी गोरक्षनाथ जी की पावन सिद्ध दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके नाम पर आपका विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों के कल्याण के लिए अपने को समर्पित करते हुए अंत्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। उनका मानना था कि जब किसी राष्ट्र के विकास की चर्चा की जाती है, उसमें शिक्षा का स्थान सर्वोपरि होता है। इसलिए विश्व के किसी भी राष्ट्र का विकास शिक्षा के बिना असंभव है। क्लियरेंस रैंकिंग में परसेप्शन का सबसे ज्यादा मार्क्स होता है 50%, एनआरआई के परसेप्शन का सिर्फ 10% मार्क्स होता है। और इसमें फायदा ये होता है कि ए डबल प्लस नेक में मिला है तो ऑटोमेटिक 3 मार्क्स मिल ही जाता है। तो प्राप्त करने का रहा 7 पॉइंट। और दो भी परसेप्शन का, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में दूसरी यूनिवर्सिटी की राय क्या है, इंडस्ट्री की राय क्या है, पब्लिक की राय क्या है, ओपिनियन पोल जिसको हम बोलते हैं, वो ही आपको रैंकिंग देने वाले हैं। और इसी वजह से हमें ये प्रयास करना होगा कि हम जहाँ भी अपॉइंट साइन करें उनके साथ बैठ कर चर्चा करें और नए नए जो सिलेबस रोजगार पर हमारे सिलेबस ये सब इसमें होना चाहिए। नेपाल बॉर्डर हमारे नजदीक है मित्रों, नेपाल, उनके साथ भी एमओयू साइन करके वहाँ के 3, 4, 5, 10 अध्यापकों आपको बॉर्डर रैंकिंग में रैंक दे, इसका भी प्रयास करना पड़ेगा। ये सब कुछ है, हम सिखा रहे हैं सभी इसी को और इसी भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लंबी बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन जब ये बात निकली है तब हम कंटिन्यूसली, एक बार एक रैंक मिल गई तो पूरा हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें आगे ना आगे बढ़ता है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स आगे कैसे बढ़े, वर्ल्ड में अपना प्रभाव कैसे बढ़ाए, इसके बाद हमें जाना। दूसरी बात मैंने ये देखा और मैं पिछले 5 साल से देख रही हूँ, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसको मिलता है, बोलिए ना भैया, आज भी वही हुआ। मुझे तो लगता था उसको परिवर्तन आएगा, उसको परिवर्तन आएगा, लेकिन आजकल महिलाओं की बोल पा रहा सशक्तिकरण कब होगा। अब देखिए स्टेज पर 3 ही नारी, कोई पुरुष नहीं, गोल्ड मेडल में भी सभी बेटियां चिंता तो होती है, माता पिता को चिंता होती है कि नहीं होती है मुझे पता नहीं, आपके माता पिता आपको पूछते हैं कि नहीं पूछते कि बेटा आगे इतनी लड़कियां नहीं थी तुम क्या करते थे, कि
है, मैं तो बोलती रहूंगी ये काम आपको करना है कि नहीं करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि आपको कुछ बोलूं कि भाई आपकी मेहनत करती रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए ये गर्व की बात है कि विगत दिनों इसरो द्वारा भेजा गया सूर्यान आदित्य L1 के टेलीस्कोप को तैयार करने में आपके विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी और डॉक्टर आदि यूनिवर्सिटी का योगदान है। ये स्थिति थी यूनिवर्सिटी की, ऐसे ऐसे लोग बाहर निकले हैं, ऐसे लोग बाहर निकले हैं, हमें भी उसके मार्ग पर जाना है। मैं दोनों पूर्व छात्रों का अभिनंदन करती हूँ और उनके कृतित्व के लिए बधाई देती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आप में से कोई न कोई ऐसे लड़का या लड़की छात्र छात्रा निकले जो L1 में नहीं तो 2 में भी हमारे यहाँ से कोई ऐसा बनना जाए और इसी हिस्सा। मेरी माटी मेरा इधर इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र व छात्राओं ने कहा जी हमें 5 मेडल मिले हैं लॉ में 3 ईयर LLB में। किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे आप? LLB किया है, अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे क्या करना है? आगे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही करना है, अब उसके लिए ही मेहनत करेंगे। आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करना, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं। LLB जो कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत एडवाइस दे सकते हैं। इस तरह से वो पढ़ाई करेंगे उनसे हम बोलेंगे कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलाई करें, बुक्स पे रिलाई करें, नोट्स बनाएं और रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं और मल्टीपल रिविजन करें, एग्ज़ाम में इररिलेवेंट चीज़ें ना लिखें और रेलेवेंट केस लॉ सेक्शंस ऑर्डर्स केवल यही लिखें तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मेरा नाम शर्मिष्ठा तिवारी है, मैं BA BSc मैथ। पढ़ाई तो मेरी चाइल्डहुड से ही हो रही है, बहुत खुशी है। हाँ, उन्होंने बोला कि साइंस और मैथ के स्टूडेंट, फिजिक्स मैथ के स्टूडेंट तो नासा में जाते हैं, सो आगे के लिए प्रिपेयर रहना। PhD की डिग्री मिली है इतिहास विभाग से, तो हमने PhD कंप्लीट किया हुआ अभी लगभग 6 साल हो गए। बीच में कोरोना का दौर था, उससे इस पर कुछ असर पड़ा है, लेकिन पदक मिला है, पदक उपाधि मिलती है, डिग्री मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह यही सब है, बीच में अनिल कुमार यादव हैं। मैं प्राचीन इतिहास में जो है बुद्ध चैतन्य एक सांस्कृतिक अध्ययन पर PhD की उपाधि प्राप्त की गई है और मैंने जो है अपनी PhD 4.5 वर्षों में पूरा किया है। मैं एक ग्रामीण आसल से हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि अथक परिश्रम से हर कार्य संभव है। हमें जीवन में निराशाओं से निकलकर जीवन में सदा सद्मार्ग का और गुरु और माता पिता के आशीर्वाद लेकर चलना चाहिए, वो कार्य हमेशा सफल होगा। डॉक्टर कमलेश कुमार, मुझे 2 मेडल मिले BA LLB में। क्या कहना चाहेंगे? बहुत उत्साहित हूँ, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे मेडल मिले और बहुत खुश हूँ मैं। उन्होंने बधाइयाँ दी और उन्होंने कहा ऐसे ही आगे मेहनत करो और नाम रोशन करो। आगे क्या करना है? आगे मुझे जुडिशरी करना है। आकृति मिश्रा।